तो दोस्तों आज अपन बात करेंगे फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड के बारे में। अगर बात करें कंपनी के स्टॉक प्राइस, कंपनी का स्टॉक 2.15 पर ट्रेड कर रहा है। ऑल टाइम चार्ट की अगर बात करें तो 75% आपको इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर अगर बात करें 6 महीने की, 1 महीने की, 5 दिन की और यहाँ पर 1 दिन की, तो कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट आपको डाउनवर्ड ही देखने को मिला है। पिछले कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा पैनिक इस स्टॉक के अंदर आपको देखने को मिल रहा है और काफ़ी ज़्यादा करेक्शन इस कंपनी के जो स्टॉक में आपको देखने को मिला है। आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे जो करेक्शन हुआ उसका रीज़न और किस प्रकार से यहाँ पर आगे आने वाले समय में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो शुरू करते हैं मनी कंट्रोल की ऑफिशियल वेबसाइट पर। फंडामेंटल में अगर कंपनी के मार्केट कैप की अगर बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 429 करोड़ का है। कंपनी का अर्निंग प्रेशर -2.57 यानी अर्निंग प्रेशर कंपनी का जो माइनस है नेगेटिव आपको देखने को मिल रहा है, एक नेगेटिव पॉइंट है। कंपनी की बुक वैल्यू 0.79 यानी जो रियल वैल्यू है उससे भी आपको काफ़ी कम आपको कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो देखने को मिल रही है। ये आपको यहाँ पर कंपनी तो फंडामेंटल उसके अंदर अर्निंग प्रेशर माइनस में देखने को मिल रहा है, काफ़ी एक नेगेटिव पॉइंट आप इसको मान सकते हैं। अगर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट की, कंपनी का रेवेन्यू अगर पिछले 5 सालों के रेवेन्यू की बात करें तो 2018 से लेकर 2022 तक कंपनी के रेवेन्यू में पहले 3 साल के अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2020, 21 और 22 इनके बाद कंपनी के जो रेवेन्यू आपको काफ़ी ज़्यादा डाउनवर्ड देखने को मिला है। अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट भी आपको पिछले 3 साल से कंटिन्यू आपको काफ़ी ज़्यादा डाउनवर्ड देखने को मिला है। इसी का इम्पैक्ट इस स्टॉक पर पिछले 3 सालों से आपको देखने को मिला है, काफ़ी ज़्यादा करेक्शन इस स्टॉक में हुआ है। लेकिन अगर इसी के साथ जो रिजर्व की बात करें, मार्च 2018 में जहाँ कंपनी का रिजर्व -146 यानी कंपनी पर 146 करोड़ का डेट था, वो कंटिन्यूसली आपको बढ़ता हुआ नजर आया है। और कंपनी अगर बात करें तो कंपनी के पास रिजर्व की अगर बात करें तो -1,039 करोड़ है। ये काफ़ी नेगेटिव पॉइंट आप मान सकते हैं क्योंकि कंपनी का जो मार्केट कैप है उससे काफ़ी ज़्यादा, उससे 2 गुना तक आपको कंपनी के ऊपर डेट आपको देखने को मिल रहा है। अगर अपन तीसरे पॉइंट की अगर बात करें, कंपनी की सेल्स जून 2021 के अंदर जहां कंपनी की सेल्स 305 करोड़ की थी, वो कंटिन्यूसली आपको पहले दिसंबर 2021 तक आपको इम्प्रूव होती हुई देखने को मिली है, लेकिन उसके बाद कंपनी की जो सेल्स है कंटिन्यूसली आपको डाउनवर्ड देखने को मिली है। जून 2022 के अंदर कंपनी की सेल्स 104 करोड़ की रह गई है। अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न का तो यहाँ पर जून 2021 के अंदर प्रमोटर की जो होल्डिंग थी वो 14.47 की थी, वो कंटिन्यूसली आपको डाउनवर्ड देखने को मिल रही है। अगर अपन बात करें यहाँ पर नए के बराबर 3.49 की यहाँ पर जो प्रमोटर्स की होल्डिंग आपको देखने को मिली है। अगर अपन बात करें फॉरेनर्स की तो फॉरेनर्स की इस स्टॉक के अंदर जून 2021 के अकॉर्डिंग 10.73 की होल्डिंग थी, वो आपको यहाँ पर इक्विवेलेंट ही देखने को मिली है, हल्की सी आपको गिरावट इसमें देखने को मिली है। अगर अपन बात करें डोमेस्टिक इन्वेस्टर की तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने लास्ट क्वार्टर के अंदर अपनी होल्डिंग्स को काफ़ी कम किया है। अगर हम बात करें पब्लिक की तो यहाँ पर पब्लिक को अगर देखें तो यहाँ पर पब्लिक जून 2021 के अंदर जहाँ 74% का होल्डिंग्स थी वो जून 2022 तक बढ़कर 85 यानी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको जो पब्लिक के अंदर देखा जा रहा है और पब्लिक को काफ़ी हद तक माल दिया गया है और पिछले कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा करेक्शन इस स्टॉक में देखने को मिला है। अगर बात करें फ्यूचर की तो फ्यूचर के अंदर कंपनी को काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन करना होगा, जिसके कारण आपको, क्योंकि जो कंपनी का मार्केट कैप है उससे काफ़ी ज़्यादा कंपनी का डिट है और जो कंपनी की सेल्स कंटिन्यूस डाउनवर्ड आपको देखने को मिल रही है। कंपनी का रिजर्व यहाँ पर आपको जो माइनस के अंदर देखने को मिल रहा है, रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट के अंदर भी आपको काफ़ी ज़्यादा डाउनवर्ड आपको देखने को मिल रहा है। इन सभी के अंदर इंप्रूवमेंट कंपनी करती है तो ऑब्वियसली आपको इस स्टॉक प्राइस में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके लिए, इस स्टॉक में निवेश करने के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और इसके फंडामेंटल और एनुअल जो रिजल्ट है वो पहले एनालिसिस करें। थैंक यू। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग।